अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे, मेरी फैमिली को अपने फ़ेमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और रात का टाइम है और 1:05 हो चुके हैं। तो मैंने जो है नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद, अभी नहीं काफ़ी देर पहले, जब इशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तलावत की, तलावत करने के बाद फिर आपको पता है दुआएं पढ़ी और सारा कुछ करने के बाद थोड़ी सी वॉक करके, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे कब बात नहीं हो रही प्रॉपर, तो मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे जैसे ही समर के ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच होके आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो और सुनाएं, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आप सब की क्या मसरूफियात चल रही हैं? और एक बात मुझे और कहनी थी कि प्लीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रिलीफ फंड जो है मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, जो इस चीज़ के हकदार हैं उन लोगों के लिए रखा है, और प्लीज़ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो उनके हक़ को ना मारें। वो ऐसा मत करें कि वो भी जाके उसी लाइन में खड़े होकर तो वो पैसे लें, ऐसा कुछ भी ना करें। इस तरह जो हकदार हैं वो रह जाएंगे। तो प्लीज़, वो लोग भी हैं जिनके पास एक टाइम का भी खाना अवेलेबल नहीं है और वो उसके लिए तरसते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ से अवॉइड कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो इस तरह के कुछ गलत काम भी जो है वो कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करें। अल्लाह ताला आप सबको जो है अपनी जनाब में से दे, और ये तो उनकी हेल्प के लिए है। तो जी, और आप लोगों से भी अगर सपोर्ट हो सकती है तो सपोर्ट करें, जितनी भी आपसे तौफीक है, जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप इजीली अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करें। लेकिन जो है मतलब अगर आप कहें कि हम घर में खुला डुला इंजॉय कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, और जो आपके साथ नेबर में या आपके कोई रिलेटिव में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे जो है अपने ड्रेसेस शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, मैं आपके साथ, फर्स्ट जो है ये था रेडीमेड, ये मैंने स्टिच नहीं करवाया, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र कुर्ता लिया था, उसके साथ मैंने ये ब्लैक ट्राउज़र जो है ये सिलवाया। ये स्टिच इसकी बस थोड़ी सी जो है वो फिटिंग वो लूज़ होने वाली थी, तो वो मैंने लूज़ करवाया है। इसको थोड़ा थोड़ा लूज़ होने वाला था तो मैंने वो फिट था, लेकिन फिट आपको पता है गर्मियों में फिट कपड़े जो है वो अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा इसको लूज़ करवा लिया। और ये देखें जी, इसके ये बाजुओं का स्टाइल है, ये देखें, आपको क्लोज से भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छा इसका स्टाइल है। और ये देखें, और इसके दामन पे कुछ ऐसा स्टाइल बना हुआ है, ये देखें। तो मुझे तो ये अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, इनको मत उतारो ना। फिर मैंने जिनको ठीक होने के लिए शर्ट दी तो वो भी कहने लगी कि नहीं अच्छा लग रहा है, आप इसको मत उतारें। फिर मैंने इसको रहने दिया। तो जी, और इसका जो गले का स्टाइल है वो कुछ ऐसे है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। और समर के लिए तो आपको पता है लाइट कलर ही जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
लाइट एंड डार्क जैसे भी। तो ये तो हो गया जी एक ड्रेस, इसके साथ होगा ब्लैक नेट का दुपट्टा, वो भी मुझे लेना है क्योंकि अभी तो आपको पता है कि ब्लैक नेट का ले लें कोई भी ले लें तो खैर। अभी इसके साथ दुपट्टा जो है वो भी पेंडिंग है, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ये ड्रेस है, इसके साथ दुपट्टे भी हैं लेकिन वो जो है वो पीको और जो है करवाने के लिए मैंने दिए हुए हैं। ये भी ट्राउजर है, मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ कैसे जो है वो ड्रेस पे। और जो मैं ट्राउज़र पे जो है लास्टिक वो लाजमी लगवाती हूँ, बहुत अच्छा स्टिच किया है जिनसे मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छे स्टिच करती हैं ये देखें। तो ये इसका ट्राउज़र हो गया, और ये जी है इसकी शर्ट। आपको बहुत ज़्यादा ये ब्लू सा लग रहा होगा लेकिन ये ब्लू मतलब जितना आपको लग रहा है ना शो हो रहा है इतना नहीं है। तो ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये जिसको मुल्तानी सूट बोलते हैं ना ये वो था, तो मैंने मुल्तान से ही मंगवाया था। ये देखिए फुल शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है, और जो इसके बाजू हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बाजू कुछ ऐसे हैं, और इसकी बैक जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उस पर कुछ नहीं है, वो सिंपल है। और इसका वाइट दुपट्टा है उसका शिफॉन का, शिफॉन का नहीं प्योर का है, तो बिल्कुल सिंपल से हैं। तो इस पर फिर अंदर की तरफ उन्होंने ना ऐसे ब्लू कलर का जो है कपड़ा वो पाइपिंग मतलब कि अगर आप चलते हुए नज़र आती है तो वो फिर उन्होंने इससे मैच होती हुई वो लगा दी। तो पाइप आपको पता है फिर लॉकडाउन होने की वजह से शॉप्स भी मार्केट्स बंद थी सब, तो इस वजह से फिर कुछ भी नहीं मिला। फिर जैसे भी मतलब मुझे स्टिच करवाने थे कि कभी भी कहीं इमरजेंसी जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है, इस वजह से फिर मैंने स्टिच करवा लिया। गला भी सिंपल सही है क्योंकि उनको पता है कि समर में जो है वो इतना फैंसी जो कपड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो सिंपल सिंपल ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी आपको नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने इनमें से पहना कोई नहीं था, मैंने सोचा पहले मैं आपसे शेयर करूँगी फिर मैं इसको जो है वो घर में पहनूंगी। अच्छा जी एक ये है, अच्छा एक ये ट्राउजर है, ये ब्राउन कलर में है ठीक है, ये देखें एक ये ब्राउन कलर में हो गया। और इसकी शर्ट जो है वो ये है, इसका भी अच्छा स्टाइल है। मैंने जो है इनके बाजू ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके गले पे देखें, और इसके बाजू पे ऐसे बॉर्डर सा था, और बिल्कुल सिंपल सा है, और बाजू के ये देखें ठीक है उन्होंने ऐसे मतलब थोड़ा सा कर दिया कि पाइपिंग तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी घर पे, तो मैंने आपको बताया था ना बहुत मुश्किल हो रही, तो फिर अंदर की तरफ मैंने ऐसे ही ये लगवा लिया ठीक हो गया। और ये तो इसकी जी फ्रंट है, और ये जी इसके दामन पे ये बॉर्डर है, और ऐसे ही इसकी बैक है। बैक मैं आपको दिखाती हूँ, बैक भी तकरीबन मिलती जुलती है सेम इसके साथ, बिल्कुल सिंपल है कोई इस पर जो है। अच्छा मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ, ये 1200 का है, और ठीक है इसका दुपट्टा भी शिफॉन का है, और ये वाला सूट जो है ये इसका प्योर का दुपट्टा है, और ये मैंने 25 में लिया हुआ है ठीक है। और ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ये 1000 का है, और इसके साथ ये वोला मंथ की जो लॉन है उसका मैंने ट्राउज़र बनवाया, तो ये आई थिंक 400 या 500 का ये ट्राउज़र बना है इसका ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें एक ये सूट है, ये मेरे पास
ये लॉन का है, सिंपल लॉन का। ठीक है, ये है इसका ट्राउज़र, बिल्कुल इस पर कोई मतलब ट्राउज़र मैंने सिंपल ही बनवाया, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे जो है ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग नहीं अच्छी लगती मुझे। तो एक मिनट में आपको इसको जो है ये भी पहन के, मैंने चेक की हुई है तो वैसे की वैसी पड़ी हुई है, तो मैं इसको जो है शर्ट को, अच्छा जी ये देखें इसकी शर्ट, ये है इसका दामन, ये देखें ये मेरे पास ना एक्चुअली ये कपड़ा पड़ा हुआ था, ये मैंने ऐसे ये एम्ब्रॉयडरी करवा के तो ये रखा हुआ था, तो फिर मैंने किसी शर्ट के लिए शायद बनवाया था, तो मुझे जो है फिर इसके लिए मैंने चेक किया तो इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें ऑरेंज कलर भी है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्लैक भी क्या बनवाना है, तो वैसे भी अब समर है तो फिर ब्लैक सूट जो है वैसे बहुत तंग करेगा, तो ये आगे बाजू पर लाइट सी फ्रिल बना के ना उन्होंने तो ये लगा दी है, ठीक हो गया। और ये जिसके गले पे जो ऐसे करके डिज़ाइन है, मुझे तो आपको पता, मैंने आपको बताया कि मुझे सिंपल जो है वो गले बहुत पसंद है, तो मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है ये इस तरह की डोरियाँ वगैरह लगी हुई, खैर उन्होंने बना दिया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो ये थे जी मेरे गर्मियों के सूट, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टिच हो गए। नेक्स्ट जो हैं वो तो आपको पता है मार्केट्स ओपन होंगी तो फिर ही आएंगे, तो अब मैं जल्दी जल्दी से आपको बच्चों के कपड़े दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये जी मेरे बड़े बेटे का, और ऐसे ही सेम छोटे बेटे का भी बनाया है मैंने, इकट्ठे स्टिच करवाए, तो ये जी छोटे बेटे का ये पड़ा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ कपड़े तो उन्होंने पहन लिए हैं बच्चों ने, तो ये एक ब्लैक निकर जो है इस तरह करके उन्होंने स्टिच करके दिया, ये देखें। एक ये सूट है बेटी का, इसकी अभी शर्ट उनके पास है, ये ट्राउज़र है, और एक जो है वो ये सूट है, ठीक है बेटी का ये, और इसके साथ ये इसका ट्राउज़र है। एक मेरे ही सूट में से जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये शर्ट उन्होंने फिर ऐसे बना दी बेटी की, कि टाइट्स के साथ जो है वो टाइट्स के साथ, या आप कुछ भी ट्राउज़र बना लें कुछ भी तो चल जाएगी। और बेटे के सूट में आपको दिखाती हूँ, कुछ कपड़े अभी इनके उनके पास ही हैं, कुछ बच्चों ने पहने हैं, एक ये लॉन के हैं सब, तो आपको पता है गर्मियों के लिए बहुत जो है ये अच्छे रहते हैं। एक बस टाइम जो है आपको पता बड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों के साथ, तो ये इसकी निकर और एक ये वाला है, ये भी ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखें ऐसे उन्होंने ये स्टाइल बनाया हुआ है, और इसके साथ भी जो है लॉन्ग निकर है, और इसकी निकर पे ऐसे कुछ स्टाइल बनाया हुआ है उन्होंने, ये देखें। तो ये थे जी हमारे समर के ड्रेसेस, और अभी कुछ ड्रेसेस उनके पास हैं, तो माशाल्लाह से उन्होंने बेटे के कपड़े भी बड़े अच्छे सीए हैं, और नेक्स्ट जो आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी के साथ जो है आज का व्लॉग मैं करती हूँ ख़त्म, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।